सोलर पावर प्लांट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और हम हैं यहाँ गैजेट एक्सपो पे, इंडिया गैजेट एक्सपो पे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमें देखने को मिला है और वो है एक सोलर बैकपैक, बेसिकली जिसमें एक सोलर पैनल है। और ये कोई नॉर्मल सोलर पैनल नहीं है, और इसके बारे में हमें बताएंगे इस कंपनी के को फाउंडर जिनका नाम है गंधर्व। गंधर्व, आप प्लीज बताइए कि किस तरह का ये बैकपैक है और कैसे ये डिफरेंट है बाकी सोलर पैनल वाले बैकपैक जो हमने देखे हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट हम देखते हैं, तो उससे कैसे ये डिफरेंट है? जरूर। तो एक्चुअली बता दूं कि मैं एक्चुअली साइकिलिस्ट हूं, तो मैं काफ़ी बार साइकिल से काम ऑफिस जाता हूं। तब हमने नोटिस किया कि काफ़ी बार बैग गर्म हो जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस एनर्जी को हम टैप करें, इसलिए हमने ये बैग बनाया। लेकिन वेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है साइकिलिस्ट के लिए, या किसी मोटरसाइकिलिस्ट के लिए भी वेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा भार ले नहीं सकते और हम काफ़ी बार गिरते भी हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बैग को इधर उधर फेंकते हैं। तो जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं वो क्रिस्टलाइन मटेरियल के बने होते हैं, तो उनके स्क्रैचेज आ जाते हैं, भारी भी रहते हैं और वो टूट भी सकते हैं। तो हमने फिर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया और हमारे कॉलेज आलम IIT मद्रास से एक मेंटर है जिन्होंने फ्लेक्सिबल सोलर पे बहुत काम किया है, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की ये डेवलप करने में। तो हम फ्लेक्सिबल सोलर फैब्रिक यूज़ करते हैं, तो दिस बेसिकली अमॉर्फस सिलिकॉन सेल विच इज़ प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक सब्सट्रेट। तो ये आप बेंड भी कर सकते हो, ये आप इस पर गिर सकते हो, स्क्रैश भी कर सकते हो, एक्सीडेंट हो जाए तो भी ये चलता रहता है। तो 8 से 10 साल इसकी लाइफ है और ये चलता रहेगा कुछ भी हो जाए। उसका वेट भी बहुत कम है नॉर्मल सोलर पैनल से जी, तो इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप जब भी बाहर होते हो ये इंटरनल बैटरी को चार्ज करता रहता है। तो बेसिकली इससे आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। तो किस तरह की पावर आउटपुट जो है हमें देखने को मिलती है और कितने मॉडल हैं इस तरह के जो आपके पास बैकपैक में? तो इस पैनल, ये 3 वॉट पैनल है, तो इससे अबाउट 600 mAh ऑफ करंट आता है आपको, लेकिन ये हमेशा बैटरी में स्टोर होता है। और बैटरी से आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, आप टैबलेट्स को चार्ज कर सकते हो और MP3 प्लेयर को भी चार्ज कर सकते हो। तो हमारे यहाँ 2 मॉडल्स हैं, एक तो ये है विद इंटरनल बैटरी है 2000 mAh, ये मॉडल है जिसमें विदाउट बैटरी है, तो आप अपना जो पोर्टेबल बैंक है आप वो उसको चार्ज कर सकते हो इसके साथ। ये भी 3 वॉट है, लेकिन अगर आपका पोर्टेबल बैंक ज़्यादा करंट दे सकता है, 2 mAh 2 ampere तक दे सकता है, तो वो भी इसके साथ चल जाता है। ओके, तो आप अपने पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं जिसका 2 ampere तक का आउटपुट करंट आता है, करेक्ट, तो वो आराम से इससे चार्ज हो जाएगा। जरूर। तो डे टू डे यूसेज में जैसे आप कह रहे हैं कि आपने ये यूज़ किया है, नॉर्मली जब आपने इसे यूज़ किया है तो कितना चार्ज आपने देखा है? अगर मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए निकले और आपको ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा एक घंटा लग गया, तो कितनी पावर जो है स्मार्टफोन में आ जाती है एट द एंड ऑफ द ट्रिप, अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो? जरूर। तो समझो आपकी बाइक मोटरसाइकिल राइड है 1 घंटे की ऑफिस जाने की, 45 मिनट्स टू 1 घंटा, तो एटलीस्ट बैंगलोर में अबाउट 10% चार्ज मिल जाएगा आपको 2000 mAh फोन पे, राइट। ये नंबर 10% वेरी हो सकता है, 20% तक भी जा सकता है जब बहुत धूप हो, या 5% भी जा सकता है जब बहुत बादल हो और बारिश हो रही हो, तभी भी चार्ज होगा लेकिन धीरे होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट में कुछ और नया आप लेके आने वाले हैं, कुछ नया इनोवेशन जो अभी आप दिखा रहे हैं, इसके अलावा कोई और चीज जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें उनके बारे में? यस, तो एक्चुअली जैसे मैंने बोला था मैं साइक्लिस्ट हूँ, तो और एक बिकॉज अभी और एनर्जी है हमारे पास, और साइक्लिस्ट के पास इंडिकेटर्स नहीं होते, ब्रेक लाइट्स नहीं होते, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बैग भी ले आ रहे हैं जिसमें इनबिल्ट इंडिकेटर्स हैं, हैंड्स फ्री इंडिकेटर्स और ऑटोमेटिक ब्रेक लाइट भी है। तो जब साइक्लिस्ट अपने आप ब्रेक लगाते हैं, अपने आप ब्रेक लाइट्स पे आ जाते हैं जैसे कार्स पे आते हैं। जी, तो वो एक प्राइसिंग के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो क्या क्या प्राइस पे ये जो आपके बैकपैक में आ रहे हैं और कहाँ मिल जाएंगे ये अगर खरीदने होते हैं? जरूर। तो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील तीनों पे अवेलेबल है, amazon.com पे भी बेचते हैं हम काफ़ी, और इंडिया में ये बैग विद बैटरी 5500 के लिए अवेलेबल है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, और अनप्लग है 4999 के लिए अवेलेबल है, फिर से तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, amazon, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट पे। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि शायद आपने टिल्ट का नाम सुना होगा, और टिल्ट का एक एनर्जी बैकपैक करके एक पावर बैंक, एक बैकपैक आता है जिसमें 10,000 mAh का पावर बैंक लगा हुआ आता है। हालांकि वो 10,000 रुपये का है, काफ़ी महंगा है, लेकिन उस तरह के और प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार में आ जाते हैं, जबकि आप ये बता रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है 5,000 का है और इससे पावर आउटपुट अच्छी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मिल जाती है आपको। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर किसी को ये लेना है तो वो क्यों लेना चाहिए उसे, क्या ये डिफरेंट है और क्या सोच के बेसिकली ये लें? जरूर। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर्स हैं, राइट। तो पहली बात तो ये है कि मतलब दिस बैग इज मेड फॉर साइक्लिस्ट, तो ये सब जो बैग में जो डिज़ाइन का काम जाता है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है हमारे इसमें। जैसे ये नॉर्मल बैकपैक नहीं है, जैसे इसमें आपको पसीना नहीं आएगा,
क्योंकि ये जो परफोरेटेड मैश है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये पहन के ऑफिस जाएंगे रोज, उतारेंगे तो आपका टी शर्ट या शर्ट पसीना पसीना नहीं होगा क्योंकि इसका ऐसा इतना अच्छा डिजाइन है, इसका वेट भी इतना कम है कि आपका कम्यूट चाहे 5 किलोमीटर हो या 30 किलोमीटर हो, यू विल नॉट गेट अ बैक पेन दिस बैग, राइट। तो इस बैग में ही काफ़ी डिफ्रेंशिएटर है। और दूसरी बात, मतलब जो थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस दी जाती है ऊपर, वो ये है कि हम वी मीट ऑल सर्टिफिकेशन, तो ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज में हमारा सेल होता है, राइट फ्रॉम यूएस टू जर्मनी टू ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे बैच की सब सर्टिफिकेशन वी ऑलरेडी गॉटन, तो रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन हमारे परफेक्ट हैं। तो काफ़ी बार जो आप चीप बैग देते हैं वो आपको इंडिया से बाहर नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेन हाईलाइट जो है इस तरह के बैकपैक की वो ये है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है यानी कि वो लिथियम आयन बैटरी आप अपने बैग में लेके नहीं घूम रहे हैं कम से कम, वो अच्छी बात है। और नेचुरल सोर्स है एनर्जी का और उससे आप अपना यूसेज में यूज़ कर सकते हैं। और बाइकर्स के लिए मेरे ख्याल से अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो शायद वो लोग कंसिडर करना चाहें। आप लोग बताइए कि क्या आप सोचते हैं इस तरह के बैकपैक के बारे में जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और वो लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी वगैरह जो है उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक बटन है उसको आप दबा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन है वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।